चलते हैं रायपुर से शंकर, जहां पर सीएम भूपेश बघेल पहुंच गए हैं। छत्तीसगढ़ में कृषि लाभकारी व्यवसाय हो गया है और इसलिए लोग अब कृषि के तरफ आकर्षित हो रहे हैं और इसको केंद्र सरकार को भी समझना चाहिए कि किसानों के यदि बोनस देते हैं तो ये किसान न केवल किसानों के घर की अर्थव्यवस्था सुधरती है बल्कि लोगों को रोजगार भी मिलता है। छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई असर नहीं है, इस एक बात को समझने में पता नहीं भारत सरकार कितना समय लगेगा, जबकि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने 550 से बढ़ा किसी का 900 रुपये क्विंटल किया था, उसी प्रकार से समर्थन मूल्य के साथ साथ बोनस भी उन्होंने दिया था। तो यदि देश के लोगों का आर्थिक स्थिति मजबूत करना है, व्यवसाय और व्यापार और उद्योग चलाना है तो किसानों के खाते में पैसे डालने होंगे। इथेनॉल के लिए भी हमने कहा है, इथेनॉल प्लांट लगने से किसानों को जो दाम मिलेगा, नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं विदेशी धन की बचत होगी। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी विपक्ष आने का पहला आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन का काफी कार्यकर्ताओं के बीच में मारपीट तक हुई। देखिए ये दरअसल में रमन सिंह जी कोठियों के पक्ष में बात कर रहे हैं, किसान कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हो सकता है इतनी बड़ी व्यवस्था में किसी किसान के साथ उसके साथ न्याय ना हो पाया हो सकता है कहीं पे ऐसा हो, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे प्रदेश में ऐसा हो। लेकिन रमन सिंह जी ने कमीशन छोड़ू सरकार रही है, कमीशन छोड़ू को बढ़ावा दिया है, कोचिया को बढ़ावा दिया है, ये हमेशा कोचियों की बात करते रहे हैं और अभी भी वही कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सुधीर बाधक 2.5 लाख किसान ज्यादा धान खरीद किए और आज तक के भाजपा भी 15 साल सरकार में रही है, वो भी इतना धान कभी नहीं खरीदी थी जितना अभी इस समय खरीदी किया गया 83 लाख मीट्रिक टन। कोई किसान प्रदर्शन नहीं कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी कोचियों का धान खपाने के लिए कर रहे हैं। रमन सिंह जी अच्छा मांग कर रहे हैं, लेकिन किसका किसका श्वेत पत्र चाहिए उनको, कौन सा नया राजधानी का, नान का, दमान का, किसका किसका श्वेत पत्र चाहिए, लिस्ट बना दे रहे हम जारी कर रहे हैं।